नमस्कार, मेरा नाम सतन जड़, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है, ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय बिहार में है, पटना में, यहां पे आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे रथ जो सो है, रथ की तैयारी कर ली गई है। ऊपर पे लिखा गया है विकसित भारत मोदी की गारंटी। हम आपको बता दें कि इस बार की सबसे बड़ी मुद्दा होने वाली है मोदी की गारंटी। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चित्र देख रहे होंगे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, विकसित भारत के लिए पहुंचाएं अपने सुझाव। आप भी सुझाव पहुंचा सकते हैं किस तरीके से ये रथ तैयार की गई है। और ये चुनावी साल है और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्यौहार है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है तैयारियाँ ज़ोर शोर से कर दी है। और आप हमारे वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रथ की तैयारी कर ली गई है। ये जो गाड़ी है ये अब चुनावी मैदान में जाने वाली है और पूरे कम से कम 15-20 गाड़ियां यहां पर ऐसी है जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी का फोटो और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोटो लगा हुआ है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि विकसित भारत और मोदी की गारंटी। आप हमारी वीडियो के माध्यम से साफ तौर पर देख रहे हैं कि विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सीधा मोदी जी को भेजें अपने सुझाव। आप अपने सुझाव भी भेज सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवा कलर से गाड़ी को सजाया गया है। ये गाड़ी जो हाफ माल ढोने वाली गाड़ी होती है, इसको किस तरीके से सजाया गया है, फूलों के फूल से भी सजाया गया है, बलून की भी उपयोग की गई है और भगवा रंग जो पूरे गाड़ी में भगवामय कर दिया गया है। और केसरिया कलर जो किस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे और अगर जीतते हैं तो, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का नारा है 400 पार और मोदी की गारंटी है। और जो भी कहा जाता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का गारंटी, इस तरीके से ये रथ तैयार कर ली गई है और ये चुनावी मैदान में जाएंगे और हर क्षेत्र में घूम घूम के प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी का प्रचार करेंगे। और मोदी जी ने जो काम किया है, प्रधानमंत्री दूसरे कार्यकाल था उनका, 14 से प्रथम बार वो प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2019 में प्रधानमंत्री बने, इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में क्या वो सफल रहेंगे, ऐसे में देखना दिलचस्प है। क्या जवाहरलाल नेहरू जो कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे और देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी इक्वल पहुँच पाएंगे कि नहीं प्रधानमंत्री, ये देखना दिलचस्प है। 400 नारे का पार लगाया गया है और ये गाड़ी देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बैनर पोस्टर लगाया गया है, भगवा कलर और प्रधानमंत्री मोदी का फोटो है किस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये तमाम गाड़ियां यहां पे मौजूद हैं और ये गाड़ी जो है रथ निकलने वाली है। और लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है तमाम पार्टी की तरफ से। और हम आपको बता दें कि कल परसों ही रैली का आयोजन किया गया था, महारैली का आयोजन किया गया था राजद की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, उसमें CPIML जिसमें अखिलेश प्रसाद यादव सपा के प्रमुख वो भी पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली जो रथ है वो रथ अब पूरे प्रदेश में घूमना है, ऐसे तो पूरे भारत में घूमना है, लेकिन बिहार प्रदेश कार्यालय से जो भाजपा का कार्यालय है और यहाँ से मोदी जी के रथ यहाँ से रवाना होनी है। ऐसे में तमाम जितने भी गाड़ी है सभी में बैनर पोस्टर लग चुका है और लोकसभा, आगामी लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए ये रथ पूरे प्रदेश में घूमना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एक न्यूज 24 पर मेरे सहयोगी पिंडू के साथ। मैं सतंजय पटना।